तो नमस्कार सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। हमारे कुछ दर्शकों की रिक्वेस्ट भी थी, साथ में मुझे भी जानना था कि जो मक्खी चीनी होती है वो कैसे बनती है, किसकी ब्लड लाइन की है, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल। मैं सोशल मीडिया में अगर देखता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट देखता हूँ ना, तो लोग भर भर के उसमें कमेंट करते हैं, और इसके बारे में जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। जैसे हम देखते हैं बर्बरी की तरह पैचेस इसमें छोटे छोटे होते हैं, और बर्बरी आपने भी देखी होगी, हमारे दर्शकों ने भी देखी होगी कि यार वो देखने में बिल्कुल हिरन की तरह रहती है, और ऐसी ही वाइट में कुछ डॉटेड इसमें देखने मिलते हैं मक्खी चीनी में, जो इसे दूसरी बकरियों की तुलना पर बहुत सुंदर बिल्कुल बनाते हैं। तो सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कहाँ की बकरी है, कैसे बनी, और इसकी पहचान क्या होती है, क्या मार्केट प्राइस मिल जाता है, ये थोड़ा सा समझाइए। पहले तरह जी, आपको नमस्कार। तो आप हमारे यहाँ पर छोटे से फार्म डाल रखा है, कुछ भी मान लो उस पर आप आए हो। नहीं, आप उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा आप अभी बोल रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे पूर्वजों से यही काम चलते आ रहा है। ये सही। तो जितनी जानकारी आपको होगी, शायद मुझे इस एज में जितनी जानकारी आप रखते हो उतनी जानकारी किसी को नहीं होगी। तो वो तो ये है कि मेरा सौभाग्य कि यार मुझे ऐसे लोग मिलते चले जाते हैं, और ये कारवा चला जा रहा है आप लोगों की मदद से। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। देखो अरे जी, ये मैं आपको बकरी दिखाता हूँ जी। चल, ये बकरी है देखो। एक मिनट, इसको मैं खड़ा कर लेता हूँ, रुक रही नहीं है। अब देखो, ये इसको मक्खी चीनी बोलते हैं। अब ये मक्खी चीनी जो मतलब बकरी लोगों के पास है भाई, मक्खी चीनी कईयों के पास है, लेकिन जो हाइट वाली बकरी है तो ओरिजिनलिटी मक्खी चीनी बकरी है भाई। ये बिल्कुल गुजरी के अंदर ही होती है ये। अच्छा। गुजरी में से ही निकली हुई है, अब अलग से इनसे क्रॉस होके ही ये निकली हुई है, जो ये कलर है। जो कई लोग बोलते हैं कि बर्बरी में से निकली हुई है, क्योंकि बर्बरी के अंदर स्पॉट होते हैं ऐसे भी लोटेड वगैरह, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि गुजरी में से निकली हुई है। अब ये देखो, इसके अंदर ज़्यादातर इस बकरी के अंदर जो मेरे पास ये बकरी है, इसका फेस है, ऐसी बकरियाँ बहुत कम मिलती हैं जो चीनी बकरी होती हैं, उनका फेस है ना देसी वैसे बोलते हैं, देसी भाषा में ऐसा मुंह आ जाता है। अच्छा, देसी की तरह आने लगता है। लेकिन इसका बहुत गजब का है। और इसकी देखो, ये बच्चा आया अब इसके। ये देखो, ये अलग बच्चा आ गया इसका। तो ये मतलब इसी की ब्लड लाइन की है ना। ऐसे बच्चे इससे निकले। इससे बच्चे मतलब ये अपने पास ब्रीडर था, तो अपने पास चीनी बकरी है, हमने सोचा कि इससे क्रॉस करवा के देखा ब्लग निकालती है कि ऐसा निकालती है, अगर ऐसा निकल जाए तो और भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये बच्चा है, तो ये मतलब कि ये डिफॉल्टर नहीं है ये कहीं पे भी, अच्छा रिजल्ट देगी ये है। तो ये बकरी की बात करें तो व्हाइट कलर में पैचेस होते हैं। हाँ, इसमें तो थोड़े से जैसे अभी बकरी थोड़ी सी मैली हो रखी है, क्योंकि खेतों में जाती है, बिल्कुल गर्मियों में अगर हम देखेंगे तो और निखर के ये कलर आएगा, है ना। कुछ और इसकी भी देखो, हाइट है ना, इसकी हाइट वही है, बिल्कुल 39 से 40 के बीच में हाइट है बकरी की, आराम से। और जो इसका देखो आप, फ्रेम भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मक्खी चीनी में। जैसे इस अगर कोई मान लो जो तैयार करना चाहता है कुर्बानी के लिए, ब्रीडर तैयार करेगा, जैसे कोई ऐसे ब्रीडर तैयार करना चाहता है, तो इस फ्रेम की बकरी का बच्चा होना चाहिए बिल्कुल, जब जाके वो साल भर का 100+ होगा, शानदार, क्योंकि हाइट भी है, सब कुछ है। तो इसकी माँ इतनी बड़ी है मक्खी चीनी में, तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली बड़ा बनेगा। फ्रेम बड़ा है ना इसका, फ्रेम इतना बड़ा है कि अगर बच्चे इस लेवल के आते हैं तो वो आराम से। अभी देखो बकरी का मतलब इसका फेस देख लो आप। बिल्कुल बेहतरीन, ये देखिए बिल्कुल गुजरी की तरह, ये गुजरी की तरह है बिल्कुल, ये कहीं भी कोई बता नहीं सकता भाई कोई मिक्स ब्रीड आ रही हो। अब जो इसका बच्चा है आप ये देखो, ये भी इसके माँ पे गया है बिल्कुल, फेस में इसके माँ पे गया है बिल्कुल। अभी आगे जाके चीना भी बच्चा दे सकता है, अब लग तो देगा ही देगा, लेकिन चीना भी दे सकता है। तो इससे दो ब्रीड तैयार हो सकती है इस ब्रीडर से, इसका फायदा ये है। इस चक्कर में हमने इस पे अबलक लगवा के इसलिए इस तैयार किया है, शानदार ये है। और पहले तो ये था इसका मतलब, ये मतलब ये अभी एक बच्चा दिया है इसने, फिर उससे पहले इसके पास बकरियाँ थी इसकी दो, एक बकरी ये रही, साल भर में इसने दो दूसरी बार बच्चे दे दिए। अच्छा, ये दूसरी बार, ये दूसरी बार है साल भर का, और इससे पहले की ये बकरी है, ये बकरी है देखो 6 महीने की बकरी हुई अभी तो ये। ये देख लो आप, बेहतरीन, ये भी वैसे ही है माँ के जैसे डिट्टो, हाँ है ना, और बहुत बढ़िया। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। फिर हमने
इसने पस्ट बार दिया है। ये देखो ये बकरी है, ये इसी की है, फर्स्ट टाइम में बच्चा दिया था इसने बकरी, ये हुई थी इसकी एक, इसी की है। और सेकंड टाइम पे ये बच्चे, सेकंड टाइम की ये रही, फर्स्ट टाइम की दिए है, सेकंड टाइम की ये रही, थर्ड टाइम का हो रहा। अच्छा, अब जो अब इसके इसके ऊपर फिर हमने अलग बकरा छोड़ा तो उसका फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए शानदार, ये दोनों बच्चे इसी के हैं, फिर ये दोनों बच्चे इसी के हैं जी, ये दोनों बकरियां हैं। ये तो अपनी माँ पे गई, और ब्रीडर क्या है जैसे मतलब उस पर ना जाए, हमने नस्ल सुधार सुधार चक्कर पड़ गया, तो फिर ब्रीडर है ना खुद पे ले गया, एक बच्चा खुद पे आया और एक माँ के माँ पे हो गए। बेहतरीन शानदार। तो अब इसके अंदर भी इन फ्यूचर के अंदर कभी भी ये चीनी बच्ची दे सकती है, ये तो देगी देगी, इन चीनी दे सकती है। तो मिक्स करने से ये फायदा हो गया, हमें कभी मान लो छीने बच्चा चाहिए तो यह है कि हमारे बाड़े में एनी टाइम रहेगा, कहीं ना कहीं निकलता रहेगा। ये मैं इसकी डिमांड की बारे में बात करूं तो जैसे नॉर्मल एक गुजरी बकरी होती है या भाई इसकी डिमांड कैसी है, ये भी थोड़ा समय दर्शकों को बताइए ताकि हमारे इसकी डिमांड ये है कि सबसे ज़्यादा तो ना मतलब कि जो कुर्बानी के लिए जो ब्रीडर तैयार बकरे वगैरह जो तैयार करवाते हैं तैयार करते हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा इस कलर के अंदर करना पसंद करते हैं। अच्छा, ये आपके एरिया में जो नियर बाय जो नियर जयपुर पड़ता है, मेरे जयपुर है, कहीं भी कोई भी फ़ोन ऑन कर लेते हैं लोग होते हैं, जब आप वीडियो डालते हो आपकी यूट्यूब पे देखते हैं तो फ़ोन कर लेते हैं हमारे पास, आपके द्वारा मैसेज चला जाता है उनके पास। तो ये जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस कलर को ना जो कुर्बानी के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो बड़ा होगा अभी तो मेरे क्या मिट्टी मेन में रहता है तो इतना वो नहीं पो नहीं पाता इनसे, अब ये कहीं पर वो किसी और के जाता है ना तो अच्छी तरीके से रखते हैं इसको, साफ सफाई से बिल्कुल वाइट हो जाता है। बकरे पालने वाले हैं तो वो तो इसका कलर बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि सुंदरता से कुछ नहीं है, क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्या आप छीना मतलब एक छीना बच्चा में आपको इतनी बकरी है उसका छीना बकरा लेके जाओ इतना हो जाएगा बस, या आप इतनी बकरी लेके जा रहे हो उसका छीना बकरा इतना होगा जी। अब मार्केट में थोड़ा सा अलग दिखता है अगर अन्य बकरियों की तुलना पर, ये बकरी अलग दिखती ये है, अलग ही दिखती है सभी के अंदर देख लो, वो बकरी अब खाना खा रही हो सबसे अलग दिख रही है, वो अलग दिख रही है तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, तो ये सबसे प्राथमिकता हो जाती है कि यार पहले पहले क्या था इस कलर को पसंद नहीं करते थे लोग, ये रिजेक्टेड था, ये रिजेक्टेड था, लेकिन अभी जैसे यूट्यूब के माध्यम से लोगों को पता लगा है कि इतना सुंदर दिखता है तो जब जाके लोगों ने इसको वापस खींचना शुरू कर दिया, डिमांड बढ़ी ना, डिमांड तो जो लोकल के लोग थे जो इसे जानते थे तो वो तो कहेंगे यार ये तो रिजेक्टेड हो गया, हमको तो गुजरी चाहिए। दूध की क्वांटिटी ये है कि ये भी अपने दो बच्चे आराम से पाल सकती है, दूध है गुजरी में, हाँ दूध है इसमें, तो दूध है इसके नीचे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पाल सकती है। मैंने कभी इसका दूध चेक नहीं किया, जो पहले भी जो इसकी बकरी थी मतलब कभी देखा ही नहीं दूध कितना है इसके नीचे जी, मैं दूध नहीं निकालता बकरियों का, जो बच्चे होते हैं बच्चे पीते हैं बस वही रहता है, वही रहते हैं बस, बढ़िया कि जितना पैसा दूध से निकालेंगे उससे बढ़िया अपन बच्चे तैयार करेंगे उनसे मिलेगा अपने को जी। चलिए तो बहुत अच्छी जानकारी मुझे लगी, और इसकी मार्केट में रेट भी बहुत अच्छी होती है। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं अगर उनकी भी इच्छा है कुछ ऐसी बकरियों के लिए तो सर से बिल्कुल आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर बकरी पालन के बारे में कुछ भी जानना हो या जानकारी चाहिए हो उसके लिए भी आप सर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद ऋषि।